जो आप कहें कितना सम्मान है नरेंद्र मोदी जी का, आरएसएस भाजपा का, आज तक भारत में आरएसएस के मुखिया ने, देश के मुखिया प्रधानमंत्री ने, देश के गृह मंत्री ने, देश के रक्षा मंत्री ने, इनके बाप की हिम्मत भी एक शब्द भी इन्होंने चीन के खिलाफ कहा हो। और इसका कारण है, मैं ये कठोर शब्द कह रहा हूँ, कई लोग, मैं माफी चाहता हूँ, ये शब्द मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस दिन 15 जून 2020 को हमारे गलवान घाटी में 20 निहत्ते जवानों को चीनी सैनिकों ने भारत की सीमा में घुस करके पीट पीट कर मार डाला था, हत्या कर दी थी, और 76 जवानों को अधमरा किया था, वो अधमरे जवान तड़प रहे थे दर्द के मारे और 20 जवानों की चिताएं जल रही थी, तब नरेंद्र मोदी देश को क्या बोलते हैं, ना कोई घुसा है, ना घुसाया है, ना हमारी सीमा पर किसी का कब्जा है। और 16 दौर की वार्ता की, देशद्रोहों का मुकदमा दर्ज हुआ मेरे ऊपर अगर चीन की सेना नहीं घुसी थी, देश 16 दौर की वार्ता नरेंद्र मोदी की सरकार गिड़गिड़ाती रही, चीन वापस नहीं गया। मैं कब की बात है, 5 मई 2020 से चीन कब्जा करके बैठा था, और आज 7 सितंबर 2022 में कन्याकुमारी से निकलता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के लिए, और 8 सितंबर 2022 को चीन की सेना इलाका दिल भारत की सीमा छोड़ के भाग जाती है। इसको कहते हैं देश का असली बहादुर और ताकतवर सरकार और पार्टी विपक्ष में रहते हुए, तब इसको कल्पना करना चाहे देशवासियों को। मैंने कहा, मैं आ रहा था कोल्हापुर से, मेरे साथ में जो कठुआ की मासूम बच्ची की लड़ाई लड़ने वाली एक वकील महिला जो कांग्रेस कार्यकर्ता है, उसने हमसे पूछा, जो हमारी बातचीत हुई, मैंने कहा जब इस देश के अंदर अच्छे कामों का क्रेडिट लेने की बात आती है तो कांग्रेस कभी नहीं लेती है, कांग्रेस चाहती तो 8 सितंबर को पूरे भारत में जश्न मना सकती थी कि राहुल गांधी के पद यात्रा करने से कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लिए निकलने पर चीन भयभीत हो गया और चीन वहां से भाग खड़ा हुआ। तो नरेंद्र मोदी के मन में, संघ के मन में इसलिए है चीन के प्रति सम्मान है, 2007 से चीन के टुकड़ों पर पल रहे हैं ये। लेकिन मैं दूसरी बात भी कहना चाहता हूँ, आज हमारे देश में देश की सीमा पर जिस तरह से चीन को भागना पड़ा, दूसरी बात भी आ रही है, हमारे देश के अंदर आज उषा ठाकुर है मध्य प्रदेश की मंत्री, तेज तरार मंत्री, उसने क्या कहा, बलात्कारियों को सरेआम फांसी दी जानी चाहिए, वो चार दीवारी के अंदर आराम करते हैं, उन्हें सजा मिलती है कि नहीं मिलती है। उषा ठाकुर की जो बात है इसको मैं आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूँ, हमारे देश में बलात्कारी आसाराम को बापू बताने वाले देश के सत्ता के शिखर पर प्रधानमंत्री कुशल बैठा हुआ है। मैं उषा ठाकुर से अपील करता हूँ, उषा ठाकुर उठ खड़ी हो और मांगो आसाराम के लिए सजाए मौत का, फांसी देने का, जेल से बाहर निकालकर चौराहे में फांसी पर लटकाने की सजा की बात करो। मैं बात करना चाहता हूँ बलात्कार के मामले में, हत्या के मामले में जेल से बाहर आए हुए पेरोल पर 40 दिन के लिए बलात्कारी राम रहीम, उसके लिए आपको बताना चाहता हूं, भाजपाई पिताजी बता रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, प्रतियोगिता हो रही है आम आदमी पार्टी से लेकर भाजपाओं की बलात्कारियों के पक्ष में। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं, देश की बेटियां कैसे बचेंगी, आपके सामने बहुत बड़ा उदाहरण मैं देना चाहता हूं, हमारे देश में नोटबंदी की बरसी थी 8 नवंबर को, जिससे हमारे देश में आर्थिक तबाही की सुनामी लाया था मोदी, ठीक उसी दिन दूसरी निर्भया छावला की, उसी दिन उस मामले को दबाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों ने क्या किया, ताकि चर्चा नोटबंदी की तबाही पर न जाए, उस छावला की निर्भया के बलात्कारी जिनको सजाए मौत हो चुकी उनको बाइज्जत बरी कर दिया। तो कल्पना कीजिए, नोटबंदी और उत्तराखंड राज्य की निर्माण गठन के पूर्व संध्या पर उत्तराखंड मूल की किरण नेगी के बलात्कारी जिनको सजाए मौत हो गई हो उनको रिहा कर देना, देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर देश में बलात्कारी, दंगाई, हत्यारे, बिल्किस बानो के गैंग रेप करने वालों को रिहा करके हमारे देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ को कलंकित करना, हमारे देश में 7 साल 8 साल की मासूम बच्ची कठुआ का मैं जिक्र कर रहा हूं, उसके बलात्कारियों के पक्ष में तिरंगा की यात्रा निकालकर तिरंगा को अपमानित करना। हे मेरे प्यारे देशवासियों, इस देश की बेटियां तब तक नहीं बच सकती हैं जब तक सत्ता में बलात्कारी को पिताजी बताने वालों को तुम वोट देना बंद नहीं करोगे, इस देश की बेटियां तब तक नहीं बच सकती हैं जब तक तुम इस देश में बलात्कारी आसाराम को बापू बनाने वाले को प्रधानमंत्री की कुर्सी से नहीं हटाते हो, इस देश की बेटियां तब तक नहीं बच सकती हैं जब तक तुम बिल्किस बानो के बलात्कारी, दंगाई, हत्यारों को 15 अगस्त को रिहा करने वाले, कलंकित करने वाले 15 अगस्त को, उनको सत्ता से बेदखल नहीं करते हो।
इस देश की बेटियों की इज्जत तब तक नहीं बच सकती है जब तक उत्तराखंड के राज्य के गठन की पूर्व संध्या पर और उत्तराखंड मूल की बेटी के गैंग रेप हत्या और उसके आंखों में तेजाब डालने वाले बलात्कारियों को रिहा कराने वाले देश के बेटी द्रोहियों को सत्ता से बेदखल नहीं करते हो और इस देश की सीमा तब तक नहीं बच सकती है, सुरक्षित रह सकती है। नहीं तो फिर बोलेगा ना कोई गुस्सा है, ना घुसाया है, ना हमारी सीमा पर कोई कब्जा है किसी का। 15 जून का जिक्र कर रहा हूं, किसी और देश की बात होती वहां की जनता उठ खड़ी होती। इसलिए जवानों की लाशों चल रही थी, चिताएं जल रही थी, 76 जवान तड़प रहे थे अधमरे, और वो कह रहा था ना कोई घुसा है, ना घुसाया है, ना हमारी सीमा पर कोई कब्जा है। मैं बधाई देना चाहता हूं कांग्रेसियों को और इस देश के लोगों को भी, इस देश को समझना पड़ेगा। इस देश में एक पार्टी है जो अंग्रेजों से लड़के पैदा हुई और उसका नाम है कांग्रेस, और जितनी पार्टियां आपको दिखती हैं ये सब कांग्रेस से लड़कर के जन्म लेने वाली हैं। मेरे दोस्तों, देश की बेटियों को बचाने के लिए बलात्कारियों को, उनका पूजा करने वाले, उनको बापू बताने वाले, उनको बाप बताने वालों को सत्ता से बेदखल करना होगा, और देश की सीमा को बचाने के लिए देश के साथ गद्दारी करने वाले चीन के वफादार RSS और उसके गुर्गों को सत्ता से बेदखल करना पड़ेगा। ये बात मैं अपील करता हूँ, और हमारे देश की आज़ादी के पर्व 15 अगस्त को कलंकित करने वालों को भी और तिरंगा को अपमानित करने वालों को आपको सत्ता से हटाना पड़ेगा। लेकिन प्रधानमंत्री तो मजबूत प्रधानमंत्री कहा जाता है कि 56 इंच वाले प्रधानमंत्री हैं, उनके रहते कोई मजबूत प्रधानमंत्री बहुत सालों में आया है। नहीं, किस अच्छा कौन सी मजबूती? मजबूती नहीं, मजबूरी। नरेंद्र मोदी बताए, उठाए गंगा जल, गीता कुरान उठाए अपने हाथ में और कहे कि हाँ कोई नहीं घुसा था, तो कौन गद्दार है 16 दौर की चीन के साथ गिड़गिड़ा क्यों रहा था? गिड़गिड़ाने वाला आदमी मजबूत होता है क्या? लाश आ रही हो, जवानों की चिता जल रही हो और कहे कोई नहीं घुसा, वो मजबूत होता है क्या? 76 जवान में से एक हवलदार, 15 जून की घटना के बाद 50 दिन बाद उसका भी जान चली गई, ये किस शहादत है, ये किस शहादत? नरेंद्र मोदी, मैं फिर दोबारा से कहना चाहता हूँ, जो फैक्ट चेकिंग करते हैं उनसे मैं अपील करता हूँ, अगर नरेंद्र मोदी ने सच बोला तो मैं भी बोल दूंगा जय नरेंद्र मोदी बोल सकता हूँ, पर नरेंद्र मोदी ने झूठ बोला तो मैं कहूंगा कि थूकता है भारत ऐसे प्रधानमंत्री पर, थूकता है भारत जिसने देश की जवानों की सीमा के लिए झूठ बोला। चीन ने 5 मई 2020 से कब्जा कर रखा था, और मैं फिर कहना चाहता हूं, मैंने एक बात पहले भी कही थी, हमारे देश की किसान की जमीन को छीनती है सरकार, और किसान कोर्ट में पहुंचता है और कोर्ट में बैठा जज उसके रिश्तेदार कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं। मैंने कहा यह परंपरा बंद होनी चाहिए, सेना का आला अधिकारी सेवानिवृत्त होता है और इनके यहाँ MP MLA बनने के लालच में मुंह बंद रखता है, जो सेना में जवान जिंदा है, जो अधमरे थे। अगर मैं भूपेंद्र रावत झूठ बोल रहा हूँ तो उन्हें कसम है इस देश की, इस राष्ट्र की, इस धरती माँ की, वो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं, और सत्य बोल रहा हूँ तो देश के गद्दार नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराओ। ये गद्दारी, ये गद्दारी है, देश के जवानों की लाशों पर, देश की सीमा पर कब्जा पर अधमरे जवानों के विषय में झूठ बोलने वाला देश का गद्दार हो सकता है, वो चीन का वफादार देश का गद्दार था है रहेगा, इसलिए खड़ा हुआ है दीपिंग के पक्ष में, उसके सम्मान में। आम आदमी पार्टी भी एक छोटा सा पार्टी होता है, जल्दी करो। आम आदमी पार्टी जो भ्रष्टाचार के नाम पर आई थी, लेकिन आज उस पर ये आरोप लग रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचार टिकट पैसा लेकर के दे रही है। देखिए, जो आम आदमी पार्टी का, मैं प्रवक्ता नहीं हूं पर मैं बताता हूं, जब आपने देखा होगा गांधी जी का पुतला फोटो लगा करके आगे बढ़े हैं, आगे चल करके भगत सिंह और बाबा साहेब अम्बेडकर को लटका दिया, फिर आगे चलकर हनुमान की पूछ पकड़ ली, फिर आगे चल करके कहा कि एक क्या कहते हैं हाथी की सूंड पकड़ ली, चिपकाओ भैया हाथी की सूंड को नोट पे, और भैया लक्ष्मी को पकड़ लिया, आपको बता दो, और फिर जय श्री राम का नारा लगा रहे। अरे मूर्खों, सिया का बगैर राम का अस्तित्व नहीं है, जय सिया राम होता है। पर कौन बताए इन नालायकों को? मैंने बहुत पहले कहा था, भाजपा RSS की वैध संतान है, बिहाता का बच्चा है भाजपा RSS का, और आम आदमी पार्टी RSS की अवैध संतान है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हर तरीके से, बहुत बड़ा। मैं आपको बता दूं, दिल्ली में मरकज पर, जो मरकज में बैठे थे, मरकज में थे आए हुए देश और दुनिया के लोग, उनको बंधक बनाने के लिए दिल्ली में जानबूझ करके कर्फ्यू लगाया गया, और जब वो फंस गए तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। खेल समझिए आप, नरेंद्र मोदी का गुर्गा है। देखिए मैं आपको बताता हूं, एक सातिर जाहिल और एक पढ़ा लिखा सातिर, दोनों नहले दहले RSS के हैं। अच्छा।
मैं नाम नहीं ले रहा हूं दोनों का, एक जाहिल वो महासातिर और दूसरा पढ़ा लिखा वही महासातिर।